अभी अभी निकल कर सामने खबर आई है, एक ऐसी खबर जो आपको चौंका देगी। जी हाँ मेरे मसीह भाई बहनों, उत्तराखंड से पास्टर पर जानलेवा हमला। उत्तराखंड के हल्द्वानी से मेरे मसीह बहनों, सुबह सुबह जो है उत्तराखंड के एक पास्टर जो है जो अपना दुकान खोलने जाते हैं, पास्टर का नाम धर्मपाल चौधरी है, वो दुकान खोलने जाते हैं, उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। और उनके ये बीच का जो सर होता है, यहाँ से पूरा खोपड़ी का जो सर होता है वो पूरा फट गया, उनको टांका से सिला गया है। और पास्टर धर्मपाल जो है इस वक्त जो है मेरे मसीह भाइयों, वो होश में नहीं है, वो डॉक्टर के निगरानी में है। और जिस व्यक्ति ने पास्टर धर्मपाल पर हमला किया है जानलेवा, उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट गिरफ्तार इमीजेंटली कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अभी सूत्रों के अनुसार से पता चल रहा है कि अभी उसे सिर्फ हिरासत रख लिया गया है। किस कारण से पास्टर धर्मपाल पर हमला किया गया ये अब तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आया। इंडियन क्रिश्चियन आर्मी के अध्यक्ष अर्जुन मसीह ने बताया कि वहां पर सुबह सुबह जो ये हमला हुआ है पास्टर पर। आइए हम उस ऑडियो क्लिप को सुनते हैं जो अर्जुन मसीह हमें बताया है फोन पर। ये रहा ऑडियो क्लिप। जी अर्जुन जी, जो घटना जो आप बता रहे हैं, ये कहाँ का घटना है? ये हल्द्वानी की घटना है। हाँ? और सुबह 8 बजे की घटना है। हाँ? पास्टर हमारे हैं, पास्टर जी का नाम है धर्मपाल चौधरी। हाँ? जो कि सुबह 8 बजे करीब अपनी दुकान खोलने गए हुए थे। हुँ? और जैसे ही उन्होंने दुकान खोली और तभी पीछे से एक व्यक्ति आया जिसने इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। 27 नवंबर 2024 की घटना, यानी आज का ही घटना है सुबह? जी 27 नवंबर 2024 की घटना है। क्यों, क्या क्या माना, क्या मतलब बताया जा रहा है उसमें, क्या हमला क्यों किया गया, कुछ ऐसी सूचना, क्या किसने हमला किया, कौन असामाजिक तत्व था, कुछ जानकारी बताइए हमारे दर्शक को। जी जानकारी ये है कि पास्टर जी अभी होश में नहीं है, पास्टर जी को होश आने के बाद पूरी अपडेट मिल पाएगी। और पुलिस भी अभी कुछ भी नहीं बता रही है ताकि कोई माहौल ना बिगड़े। अभी वहां का प्रशासन हालांकि पूरा सपोर्ट कर रहा है हमें, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन ने कुछ भी बातें नहीं बताई हैं। और जैसे ही वहां की स्थिति सामान्य होती है और हम जानकारी और निकालेंगे कि वहां पर क्या कुछ हुआ है, असल में पास्टर जी भी होश में आएंगे तो वो बता पाएंगे क्या हुआ है। और हमारी इंडियन क्रिश्चियन आर्मी की टीम अस्पताल के बाहर मौजूद है, पास्टर जी की स्थिति सामान्य है, टांके लगे हुए हैं, और बस ये है कि अभी होश आने पर वो बता पाएंगे ताकि वो बात करने की स्थिति में, जैसे ही वो बात करने की स्थिति में आते हैं हम उनसे बात करके पूरी अपडेट दे पाएंगे। तो क्या जिसने हमला किया था उसकी गिरफ्तारी हो गई है? जी जिसने हमला किया था उसकी गिरफ्तारी ऑन द स्पॉट हो चुकी है, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, हम धन्यवाद करते हैं हल्द्वानी पुलिस का जिसने पूरा सहयोग किया है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, जैसे ही प्रशासन या पास्टर जी होश में आते हैं कुछ जानकारी निकल के आ पाएगी तो हम आपको अपडेट कर पाएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू जानकारी देने के लिए।